हाँ जी गाइस, क्या हाल है तुम सभी के? भाई गुड मॉर्निंग है सभी को। सुबह के 1:30 बज चुके हैं और बस अभी एडिटिंग खत्म करके हटा। अपनी आंखों में नींद भरी हुई है और बस भूख लगी है, तो खाना रखा हुआ अपने पास, वो खाते हैं। तो भाई अपना खाना खा लिया है अपन ने, पेट भर गया है। अब चलते हैं एक बार नीचे वेंकी के रूम में। बुलाया उसने, कह रहा कि मेरे पास आ जाओ आज सोने के लिए, क्योंकि आज वो चला जाएगा। मेरे पीजी में शिफ्ट हो रहा है, बस कॉलेज से आके निकल जाएगा वो यहाँ से। और बाकी अपने एक भाई ने डीएम किया एक और चैलेंज के लिए, 100 रुपीज़ में आई हैव टू सर्वाइव अ होल डे, जैसे कि मैंने पिछला चैलेंज किया 200 रुपीज़ में। तो वैसे ही मेरे को अगला चैलेंज करना है 100 रुपीज़ के अंदर। देखते हैं, ट्राई करेंगे ये चैलेंज भी। तो भाई फिलहाल चलते हैं एक बार नीचे वेंकी के रूम में। तो भाई जब अपन आ गए वेंकी के रूम में सोने के लिए, तो अब सोते हैं थोड़ा और मिलते हैं आप सभी को सुबह। हाँ जी गाइस, तो अपन आ गए थे रूम में और अभी बस फ्रेश होके निकल रहा हूँ, बस अभी नहाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी को। बड़ी अभी कपड़े भी प्रेस कर रहे हैं कॉलेज वाले। हाँ जी गाइस, तो अभी बस नहा के निकला हूँ मैं और एक बार एक कपड़ों को प्रेस करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से। तैयार हो गए हैं और एक बार चलते हैं ऊपर, सूर्यदेव को जल देकर आते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। गाइस अपना आ गया ऊपर, अभी सूर्यदेव को जल देते हैं और फिर चलते हैं नीचे। हाँ जी गाइस, सूर्यदेव को जल दे दिया अपन ने, अब चलते हैं नीचे की ओर और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भैया नीचे गया था मैं खाने के लिए, बट खाना बहुत ही बेकार था। उपमा के साथ सांभर दिया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं वापस आ गया अपने रूम में, ब्रेड बटर और केले खाते हैं अपने, आज निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो गाइस अपना खाना हो चुका है, अब चलते हैं कॉलेज की ओर। बस नहीं आ रही आज, क्योंकि जो नर्सिंग वाले उनका कॉलेज है 12 बजे, तो इसलिए 2 बजे तो क्या ही बस आएगी, तो अपने को जाना पड़ेगा ऑटो पकड़ के। चलते हैं निकलते हैं एक बार यहाँ से, फिर बाहर से ऑटो पकड़ते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो गाइस अपना निकल चुके हैं अभी फिलहाल यहाँ से बाहर के लिए, और बाहर निकलते हैं यहाँ से और ऑटो पकड़ते हैं, फिर पहुँचते हैं कॉलेज। तो वही अपना पहुँच गए हैं कॉलेज वाले रास्ते पे ऑटो करके, अब अंदर चलते हैं अपना। वही अपना कॉलेज से फ्री हो गया, अंदर ही कॉलेज में ही चेंज कर लिया था मैंने, कपड़े लेके आया था। अब एक बार चल रहे हैं जिम सीधा यहीं से कॉलेज से। तो वही अपना आ गए यहाँ पे जिम के अंदर और भी वॉशरूम में चेंज करते हैं एक बार, फिर करते हैं एक्सरसाइज, दिखाते हैं आपको भी। भाई आज की जिम खत्म होती है अपनी। तो भाई जिम अपनी हो चुकी है, निकल चुके हैं वापसी पीजी के लिए। आज मिक्सी लगाई है क्योंकि तो काफी दिनों बाद कर रहा था, थोड़ा देर मिक्स करके फिर दोबारा से रेगुलर एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएंगे अपन। बाकी मज़ा आया अपना, 40-45 मिनट की जिम हुई, सारी एक्सरसाइज करी 1-2 सेट। तो भाई अपना जाते जाते लाल पानी भी पी जाते हैं, सारी एनर्जी जो वेस्ट हुई अपनी जो रिवाइव हो जाएगी, वो जो अपना कैलोरीज बर्न कर लिया मैंने, तो अपना सही रहेगा नारियल पानी पीने से। भाई अपना अभी नारियल पानी पी लिया, ऑटो पकड़ के और चलते अपना पीछे की ओर। अपन आ गए भाई अपने वे पे, पीजी वाले अपना ऑटो से उतर गए। बाकी यार वेदर में दिखाया है कि 5 दिन ऐसे लगातार बारिश चलेगी, अभी तो धूप ही हो रही है, बल्कि तेज धूप लगती है। बाकी लेट्स सी, अगर शाम को बारिश आती है तो दिखाते हैं आपको। हाँ जी गाइस अपन आ गए भाई अपने रूम में, अब बैठते हैं थोड़ी देर और फिर नहाएंगे, यार गर्मी लग रही है बहुत तेज। हाँ जी गाइस, तो अपना आराम हो चुका है डन, और अपने फूड स्लाइड भी तैयार है मेरी। बाहर बारिश का मौसम बन चुका है, शायद थोड़ी थोड़ी बारिश भी आनी शुरू हो गई है, तो
एक बार नहाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको ऊपर जाके। चलो मिलते हैं आप सभी को नहा कर। गाइस अपना नहा के आ गए हैं और अपना डाइट छेप रहे हैं बढ़िया तरह, फुल डाइट आफ्टर जिम। लो भाई लो, सनसेट के साथ साथ अपना बारिश का मौसम भी हो चुका है और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अभी ये वैंकी भी जाते हुए हमको छोड़कर हॉस्टल से अपने दूसरे पीजी की ओर। ये रहा इसका सारा सामान। तो भाई अपना बाहर हो गई बहुत तेज बारिश, बढ़िया तो है, दिखा नहीं सकता तो ऊपर जाके और ना भीग जाऊंगा। मतलब वैसे पिछले शॉट में कुछ ना कुछ दिखाया है आपको, तो तेज बारिश आ रही है पूरी। तो गाइस अपन खाना खाकर आ चुके हैं वापस अपने रूम में, और आज लेके नहीं आ पाए क्योंकि चावल खत्म हो गए थे, तो रोटी तो खाने लायक नहीं होती, सूख जाती है इनकी और भी ज्यादा। कोई बात नहीं, अगर भूख लगेगी तो कुछ और देखते हैं, बाकी एक बार चलते हैं हम ऊपर, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं मौसम को। अपना आ गए थे यार ऊपर से, अभी बस बैठे हुए घर बात करिए, मिलते हैं आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्या थोड़ी देर में बैठेंगे अपना ब्लॉग एडिट करते हैं, पोस्ट करेंगे इसको भी। बाकी गाइज अपनी रील अपलोड हो चुकी है, जाके देखो सभी लोग इंस्टाग्राम पे। तो आज का ज्ञान जो मैंने दिया है वो है वेब सर्वर और डाटा सर्वर के बारे में, दोनों चीज़ क्या होती है तो उसको समझो जाकर, बहुत ही काम की चीज़ है वो, पता होना चाहिए आप सभी को भी क्या होता है क्या नहीं। तो लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो सभी। यार मेरे को तो आ रही नींद बहुत ज़्यादा, और अपना चलो अपनी शुरुआत करते हैं काम की, ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स वाली दाल भी खा देते हैं और फिर अपना ब्लॉग लिखते बैठते हैं। तो ये अपन ने अभी ड्राई फ्रूट्स भी भिगो दिए हैं, और बाहर अभी भी तेज़ बारिश चल रही है बहुत तेज़, मुझे तो लग रहा है कि सुबह तक बारिश ऐसे ही चलेगी अपने यहाँ पे। बाकी देखते हैं जो भी सीन बनता है, अभी फिलहाल बैठ रहे एक बारी ब्लॉग एडिट पे और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि यार मेरे को नींद आ रही है और मेरे को पता है कि ऑलमोस्ट ब्लॉग एडिट करते करते 12 बज जाएंगे। तो अपना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करते हैं ये चीज़ें काम अपनी। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एडिटिंग करते करते 12 बज जाए हैं, तो अपने टाइम हो चुका है 12:07। जो क्या किया जाए बताइए। सबसे पहली बात तो यार जो जो नए बंदे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो जाकर जल्दी से, और बाकी रील भी देख रहे हैं ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं गाइज आपसे भी से कल के व्लॉग में, कल सुबह मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।